नमस्कार, स्वागत है आपका GSEGTech ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल में बताने वाले हैं किस तरह से आप अपना एक डिजिटल रजिस्टर तैयार कर सकते हैं अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें एक क्लिक में आपके सारे स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे नजर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं रोल नंबर 1 और जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारा डिटेल आ चुका है कि रोल नंबर 1 में कितना फी जमा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, कौन सा कोर्स उसने लिया हुआ है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ये सारा डिटेल। यहाँ पे देखिए अमाउंट भी शो हो रहा है कि कितने कितने समय पे उसने कितना कितना अमाउंट दिया है, अभी तक उसने टोटल कितना फी पे कर दिया है और टोटल कितना उसके पास ड्यू है। तो दोस्तों, अगर ये पूरा डिटेल आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमने इसे तैयार किया है, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, कहीं भी स्किप ना करें, अदरवाइज आप कोई ना कोई फॉर्मूला मिस कर जाएंगे और आप सही से अपने रजिस्टर को तैयार नहीं कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है एक्सेल पे, जिसमें हमने बताया था डाटा एंट्री और उससे पहले हमने एक्सेल पे आपको काम करना सिखाया था, तो इन दोनों वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने एक्सेल में 3 सीट लिए हैं, एक मेन सीट, दूसरा फी के लिए एक सीट और तीसरा एडमिशन रजिस्टर के लिए। एडमिशन रजिस्टर और फी में हमने कुछ भी नहीं किया है, ये एक सिंपल डाटा एंट्री सीट है, इसमें सिर्फ हमने एंट्रियां ही की हैं। सबसे पहले लेते हैं एडमिशन रजिस्टर की बात। एडमिशन रजिस्टर में हमने बना लिया स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, फी, ड्यूरेशन और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो उनके भी कॉलम तैयार कर लें। और जैसे जैसे आपके पास एडमिशन आते जाएं, वैसे वैसे आप स्टूडेंट का डिटेल यहां पे फीड करते चले जाएं। जैसे रोल नंबर 1 हमने यहां पे मनोज कुमार, उत्तम कुमार, डीसीए लिया हुआ है, कोर्स फी इतना और ड्यूरेशन ऐसा, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ एंट्रियाँ हमने यहाँ पे फीड करके रखी हुई हैं। इसी तरह से हमने एक और रजिस्टर तैयार किया फी का, जिसमें हमने स्टूडेंट के फी को कलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने रोल नंबर डाल दिया है और उसके सामने हमने उनके इंस्टॉलमेंट को दिखाया है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का डेट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट, इसी तरह जितने इंस्टॉलमेंट में आप फी कलेक्ट करते हैं उतने इंस्टॉलमेंट और उतने उनके इंस्टॉलमेंट डेट। आप अपने इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट के जगह पे आप दूसरे टॉपिक्स भी लगा सकते हैं, जैसे हो सकता है एडमिशन हो, प्रोफेशनल हो या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो, उनके लिए भी आप कॉलम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमने तैयार किया एक मेन सीट। मेन सीट लेने के बाद हमने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, कोर्स फी वगैरह, जो जो चीज आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उन सारे चीजों को यहाँ पे लिख लें। उसी तरह से आप जिस तरह का फी स्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं उसके अनुसार से यहाँ पे टाइपिंग कर लें। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंट्री ही करके रख देनी है। अब मेन वर्क आता है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, जिसके इस्तेमाल से हम जैसे यहाँ पे कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो सारी डिटेल बदल जा रही है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप और इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो दे रखा है। आज हम उसका एक बेहतरीन यूज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप वी लुकअप का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल छोड़ रखा है और उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक फॉर्मूला लगा रखा है और उससे पहले भी एक फॉर्मूला हमने लगाया है प्रॉपर का, ताकि इस पे जब हम टाइपिंग करें तो हमारा जो भी कैरेक्टर है वो प्रॉपर मोड में आए, यानी कैपिटल स्मॉल के मोड में आए। उसके बाद हमने लगाया वी लुकअप। चलिए आपके लिए फिर से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इक्वल टू हमने लगाया और टाइप किया वी लुकअप। वी लुकअप टाइप किया, टैब बटन प्रेस करेंगे आ जाएगा। इसके बाद ये पूछता है कि किस सेल को ये देखेगा, कहाँ से ये रेफरेंस को उठाएगा। तो हमने डाल दिया स्टूडेंट का रोल नंबर वाला सेल, ये हमने दे दिया। इसके बाद लगाएंगे कॉमा और उसके बाद ये पूछता है कि इसका जो टेबल है वो कहाँ पे है। तो चूंकि हम एडमिशन का डिटेल उठा रहे हैं और एडमिशन का टेबल हमने एडमिशन वाले सीट पे बना रखा है, तो वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और जितना बड़ा आपका टेबल हो उतना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा इतना डाटा है तो हमने सिलेक्ट किया। अगर आप पूरे सीट को लेना चाहते हैं
ऊपर से कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे ताकि पूरा का पूरा आपका जितना भी रो है वो आ जाए, आप चाहे जितने भी एडमिशन करते जाए ऑटोमेटिक उनका रेफरेंस वहां पे मिल जाए। इसके बाद आपको देना है ध्यान, ऊपर में आपको फॉर्मूला बार मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करें और कॉमा लगा दें। उसके बाद ये पूछता है कि वहां पे कौन से कॉलम नंबर का डाटा आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम वहां पे चाहते हैं नेम का, तो नेम हमारा कॉलम नंबर 2 पे है, यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। इसके बाद वापिस एक कॉमा लगाएंगे और 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का नाम आ रहा है। इसी तरह से हमने स्टूडेंट का फादर नेम वगैरह सारा कुछ सेट किया हुआ है। स्टूडेंट फादर नेम में आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम नंबर यहाँ पे 3 लिया है, क्योंकि स्टूडेंट के जो फादर का नाम है वो एडमिशन रजिस्टर के 3रे नंबर कॉलम में है। इसी तरह दोस्तों बाकी कॉलम जो है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप इनके सामने फिट करते चले जाएंगे वी लुकअप में। अब रही बात कि इसके पहले हमने लगाया था प्रॉपर, प्रॉपर का क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लीजिए वहां पे स्मॉल लिखा हुआ हो, जैसे हम चलिए यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया मनोज कुमार। अब अगर हम आते हैं मेन सीट में तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लेते हैं रोल नंबर 1, स्क्रॉल किया हमने और यहाँ से ले लिया रोल नंबर 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ मनोज कुमार स्मॉल में लिख के आ सकता है। तो हो सकता है कैसी गलती आपके पास भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भी एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे क्लिक करें फॉर्मूला बार में और टाइप कर दें प्रॉपर। प्रॉपर टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस कर दें और लास्ट में भी जाके एक ब्रैकेट लगा दें, इंटर प्रेस कर दें। अब आप चाहे वहां स्मॉल में लिखें या कैपिटल में या जिस मोड में भी लिखें, यहाँ पे आपको प्रॉपर मोड में ही नजर आएगा। तो अगर आप टेक्स्ट यूज करते हैं तो उसके आगे आप प्रॉपर लगा सकते हैं जिससे आपको सही स्ट्रिंग यहाँ पे नजर आने लगे। इसी तरह दोस्तों हमने कोर्स के लिए भी वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी हमने आगे का फॉर्मूला दिखाया, कॉलम नंबर 4 से हमने डाटा को उठाया। यहाँ पे फी का भी हमने इसी तरह लिया है और यहाँ पे हमने इस सेल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। होम पे गए हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने अकाउंट या करेंसी जो भी फॉर्मेट लेना हो वो ले लें तो कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। आपको अगर अकाउंट लेना है तो कुछ इस तरह से नजर आएगा और करेंसी लेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार इनके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अमाउंट कहाँ से उठाएं, फी का डिटेल कहाँ से उठाएं, तो इसके लिए भी वही काम हमने किया है। यहाँ अमाउंट के सेल में हमने क्लिक किया और यहाँ पर भी हमने लगाया वी लुकअप और यहाँ दे दिया हमने उसी रेफरेंस को जहां से हमें डिटेल उठाना है। चलिए आपके लिए फिर से हम एक बार इसे टाइप करते हैं, इक्वल टू हमने टाइप किया और यहाँ पे टाइप करेंगे वी लुकअप, हमने वी लुकअप टाइप कर दिया, टैब बटन प्रेस करेंगे। अब हमें डालना है कि कौन से सेल का रेफरेंस ये लेना चाहता है, हमने डाल दिया स्टूडेंट का रोल नंबर, इसके बाद हमने लगाया कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा कि टेबल कहाँ पे है इसका, तो चलेंगे फी वाले सीट पे और यहाँ पे इसके टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा पूरा का पूरा डिटेल। इसके बाद वापिस ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे और बताएंगे कि हमारा ये अमाउंट कितने नंबर कॉलम पे है, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर कॉलम पे हमने सेकंड टाइप किया यानी 2 टाइप किया, कॉमा लगाया, 0 टाइप कर देंगे वैल्यू के लिए और ब्रैकेट यहाँ पे लगा के इंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट मोड रहे सभी के लिए आप अलग अलग वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये आप सारा डिटेल ले लें तो यहाँ पे आप टोटल फी पे में क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें इक्वल टू सम और ब्रैकेट ऑन करते हुए यहाँ आपने जितने भी इंस्टॉलमेंट लिए हैं उसे सिलेक्ट कर दें, ब्रैकेट को ऑफ कर दें, तो जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट आएगा वो टोटल यहाँ पे शो करने लगेगा। अब टोटल ड्यू कैसे निकालें, इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू टाइप करें और टोटल फी जो है उसे क्लिक करें, माइनस का साइन लगाएं और टोटल पेड को क्लिक कर दें, इंटर कर दें। अब जितना भी पेड होगा वो लेस हो जाएगा टोटल फी में और आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करके जिस स्टूडेंट का भी रोल नंबर फीड करेंगे उसका पूरा डिटेल तुरंत आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है आसानी से आपके इंस्टीट्यूशन या तो स्कूल या कॉलेज के डिटेल को मेंटेन करने का, जिससे आप एक क्लिक में पूरे स्टूडेंट का डिटेल निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें और बाकी के जो हमने प्रीवियस वीडियो दे रखे हैं उनको जरूर देखें।
और इनके और भी जो एक्सेल के सीरीज के वीडियो हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप देख के और भी लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।